हेलो दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे। ये मैंने पेटीएम मॉल से JBL 1500D कंपनी का सब वूफर ऑर्डर किया था, 12 इंची, तो आ गया है। तो अभी उसको खोल के उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स की हालत तो ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आशा रखता हूँ कि अच्छा निकले, क्योंकि ये पंजाब चंडीगढ़ से आया है यहाँ। तो अभी उस खोल के उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। तो अभी उसको ये पूरा खोल दिया है। ऐसी बॉक्स की हालत है कि आप देख रहे हैं। आशा रखता हूँ अंदर से कुछ ख़राब नहीं निकले, वरना मैंने तो बहुत टाइम बाद ये पेटीएम मॉल से कुछ ऑर्डर किया था किया है। तो अभी उसको पूरा खोल के देख लेता हूँ, अंदर से कुछ ख़राब नहीं निकले। अभी तो मेरा दिल भी धड़कने लगता है कि खराब निकलेगा तो क्या हो गया। तो ऐसे करना पड़ता है। अभी उसको ये पूरा खोल दिया है, यहाँ से ये खोल दिया है। ये तो मैंने उसके बहुत सारे रिव्यू और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे, सब में ऐसा ही आता है। तो मैंने देख लिया, ये दो स्टिकर आते हैं, ऐसा ही पैकिंग आता है। आशा रखता हूँ ये खोलता हूँ, भगवान करे कुछ डैमेज अंदर से नहीं निकले, अच्छी बात है। रखा है तो बहुत अच्छी तरह से, अंदर लगता नहीं कुछ डैमेज हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा कुछ गड़बड़ तो लगता है, यहाँ से कुछ दब गया लगता है। बाहर निकालेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा तो राउंड ये शेप थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा पूरा खोलेंगे तब पता चलेगा। तभी उसको पूरा खोल देते हैं। अभी उसको पूरा खोल देते हैं, देखते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि इसका कीमत भी पूरा थोड़ा 4,000 से थोड़ा कम है। तो अभी ये पूरा खोल दिया है। कुछ ख़राब तो दिखता नहीं है, पूरा सेफ। थोड़ा राउंड नहीं लगता यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। कैसा बनाया है ये पूरा, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा दब गया है। चलो हाथ में उठा के उसको देख लेते हैं, इससे तो कुछ गड़बड़ दिखता नहीं है। ऐसा आता है, ओरिजिनल तो दिखता है, लगता नहीं कुछ डैमेज हुआ होगा। ये उसका स्पाइडर है, उसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर है उसके, तो इसलिए कुछ ज़्यादा उसमें करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने ये परचेज़ किया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भी ख़रीद लेता हूँ। तो ये आ गया है, ऐसा है, लगता तो बराबर है, कोई डैमेज नहीं दिखता। JBL का लोगो वाला है,
तो अभी उसको उल्टा करके भी देख लेते हैं। ये उसका यहाँ लिखा हुआ ये है, कैलिफोर्निया यूएसए लिखते हैं उसके अंदर, हरमन इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, नॉर्थ ब्रिज कैलिफोर्निया यूएसए, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन यूएसए, मेड इन चाइना। डिजाइन उसका यूएसए में किया है, लेकिन उसको पूरा उसका असेंबल उसका चाइना में किया है। सब ऐसा ही करते हैं, ऐसे यूएसए में बनाते नहीं हैं, सिर्फ डिजाइन उसका बनाते हैं यूएसए में। ये उसका स्पाइडर है, अभी ये आ गया है। ये मैंने पेटीएम मॉल से ऑर्डर किया था, क्योंकि अमेजोन पर तो आज तक जितना मंगवाता हूँ सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ आता है, इसलिए मैंने सोचा चलो पेटीएम मॉल से मंगवा देते हैं। तो अमेजोन से पेटीएम मॉल की प्राइस में करीबन 1,000 रुपये का फ़र्क था। ये मुझे मिला 3890 में मिला, और अमेजोन पे उसकी प्राइस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने पेटीएम से ऑर्डर किया है। पेटीएम मॉल वाले की गारंटी 7 दिन, 7 दिन की होती है, 7 दिन में आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। तो कोई प्रॉब्लम तो दिखता नहीं है। ये पंजाब चंडीगढ़ से लोगों ने मुझे भेजा है, इसका कोई प्रॉब्लम तो दिखता नहीं है। अच्छा है, इसका स्पाइडर चेक कर लेते हैं थोड़ा। इसका स्पाइडर ऐसा है, तो अच्छा दिखता है, कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, ओरिजिनल दिखता तो है। उसको चालू करेंगे उसके बाद उसका पता चलेगा कैसा है। तो ये आपने देख लिया, सेल प्राइस 5,690 रुपीस है। उसका 90 dB सेंसिटिविटी है, 325 वॉट उसका RMS है, 1500 वॉट पिक पावर है उसका, 35 हर्ज उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, 35 हर्ज है, इंडी 4 ओम सिंगल वॉइस कॉइल है उसके अंदर, हाई एक्सन हाई BL मोटर, 12 इंच ऑटोमोबाइल सब ऊपर है कार में लगाने का। मैं तो घर के लिए यूज़ करता हूँ, तो फ्रेश बॉक्स आता तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन फ्रेश बॉक्स तो आया नहीं। ये इसका वारंटी कार्ड उसके अंदर आया है, ये अमेजोन का प्राइस है, लेकिन 3,819 3,800 रुपीज़, लेकिन ये 1,300 HI है जो मैंने ख़रीदा, वो 1,500 HI है, तो उससे बड़ा नंबर है। ये मैंने ख़रीदा वो पेटीएम मॉल से ख़रीदा, तो उसमें कीमत अमेजोन से कम है, और 1,500 HI है। तो अभी देखते हैं कैसा है, सब बजा के देख लेते हैं। तो ये JBL का स्पीकर मैंने निकाल के साउंड टेस्ट पर रखा है, और ये ऑन एंड ऑन वाला जो सॉन्ग है, इंस नॉन कॉपीराइट साउंड वाला, उसको मैं उस पर प्ले करके देखूंगा, देखता है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। I'm in love, but it's not the life I want to live.
हेलो दोस्तों, ये TDA का 2.1 मेरा एम्पलीफायर है। उस पर मैंने ये सारे साउंड टेस्टिंग किए, लेकिन उसका पावर बहुत हाई है। तो अभी ये मैंने पहले किया ये JBL 1500 वॉट्स का जो सब ऑफर है उस पर बजा के देखा, लेकिन ये कहते हैं कि ये 325 वॉट का है, लेकिन ये एम्पलीफायर के सामने ये कुछ भी नहीं है। पूरा उसका आवाज़ फट जाता है, उसका करंट बहुत हैवी है। तो अभी मैं उसको डी टाइप के एम्पलीफायर से चेक करूँगा। मेरे पास TPA TPA का ये मॉडल वाला एम्पलीफायर है, डी टाइप एम्पलीफायर है, जिसमें मैंने 19 वोल्ट 6 एम्पियर का ये एडाप्टर लगाया है उसके अंदर। सो उससे अभी मैं टेस्ट करूँगा। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि भाई डी टाइप के एम्पलीफायर से टेस्ट करो, तो अभी मैंने उसको ये सब वूफर को उसके अंदर फिट कर दिया है, JBL के सब वूफर को, और उसके पर मैं अभी इंक्लोज़र में कैसा साउंड आता है वो साउंड चेक करूँगा। अभी मैं कोई नया ट्यून है वो यूज़ करूँगा।
मैंने ये सारे सॉन्ग आपको सुना दिए। आशा रखता हूँ कि JBL का परफॉर्मेंस आपको पसंद आया होगा। ये JBL 1500 करीबन मुझे 3850 में मिला है और उसका आउटपुट 325 वॉट है। उसमें अच्छी बात ये है कि ये उसका DB कम है, क्योंकि जो योकोमा है उसका DB 95 है और उसका DB 91 है, या 91 ऐसा है कुछ, मैं देख के बताता हूँ कितना है। तो ये उसका DB 90 है और उसका हैंडलिंग पावर 325 वॉट है, 1500 वॉट पिक पावर है और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 35 हर्ज़ है। 90 डीबी के वजह से ये बहुत 90 डीबी होने से ये बहुत अच्छा स्मूथ बेस देता है, जो अच्छा लगता है सुनने में। और जो कोमा है उसका 95 डीबी है, ये थोड़ा लाउड है, तो कोई लाउड पसंद करते हैं, कोई स्मूथ पसंद करते हैं। और महंगे जो आते हैं उसका 88 डीबी आता है, जो इससे ज़्यादा महंगा आता है। तो अभी उसका कोई वीडियो ट्राई करता हूँ शूट करने के लिए, उसका पूरा परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। दोस्तों मैं आपको, ये मेरे पास ब्लू रे DVD प्लेयर है, उसमें ये मूवी है, इंग्लिश मूवी है, उसमें ये सब ऊपर कैसा परफॉर्मेंस करता है, कैसा लाउड होता है, क्योंकि मैं ऑल टाइम ये मूवी देखता रहता हूँ और वीडियो देखता रहता हूँ, इसलिए मैं ये सब ऊपर ख़रीदता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साउंड, ऐसे साउंड में ये सब ऊपर कैसा काम करता है। मैं वीडियो थोड़े दूर से शूट करूँगा, क्योंकि नज़दीक से आवाज़ फट जाती है, तो मैं थोड़े दूर से शूट करता हूँ। तो अभी मैं चालू कर रहा हूँ, ये वीडियो पर ये सब ऊपर कैसा परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो देता है। तो अभी ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।